भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मंडलीय पंचायत शहर के सिविल लाइन क्षेत्र पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित हुई। मंडल स्तरीय पंचायत में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई, आगे की रणनीति भी बनाई गई। पंचायत के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर ने कहा कि आज हमारी ये मंडल के पांचों जिलों की मंडल स्तरीय पंचायत है। इसमें किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इन समस्याओं को ज्ञापन का रूप देकर ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए लड़ाई लड़ने की तैयारी की जाएगी। साथ ही एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि फसलों का अच्छा दाम किसानों को मिले और जो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित हुए हैं, जो किसानों का गन्ना खराब हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए, जो चीनी मिल गन्ना भुगतान नहीं कर रही है उसका भुगतान शीघ्र कराया जाए, आवारा पशुओं से किसानों को निजात दिलाई जाए, ये हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं। मेरा नाम बाबूराम तोमर है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत में मंडल अध्यक्ष हूं मुरादाबाद में। आज हमारी मंडल के पांचों जिले की मंडल स्तरीय पंचायत है और इसमें किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं अभी हम लोग, और फिर इसे एक ज्ञापन का रूप देकर एक ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की रणनीति बनाई जाएगी। अभी बैठकर अभी आए हैं, अभी मीटिंग शुरू हुई है। हमारे बीच में राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नौ सिंह जी, प्रदेश के मुख्य महासचिव विजेंद्र सिंह यादव जी, जिलाध्यक्ष मुरादाबाद मनोज चौधरी जी, प्रदेश के महासचिव डॉक्टर हमारे चरण सिंह जी और सब लोग यहाँ बैठे हैं। अन्य जिले से भी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, बैठ कर रणनीति बनाएंगे। मुख्य बड़ी मांगे क्या है? हमारा इस बार जो फसलों का दाम है अच्छा दाम मिले, ये मांग है हमारी। गन्ने की बहुत सारी फसल हमारी पानी के जो ज़्यादा पानी पड़ा है और बाढ़ में सूख गई है, तो जो सूखाग्रस्त हमारा क्षेत्र हुआ है उसका मुआवजा मिले, और जो चीनी मिले गन्ना भुगतान नहीं कर रही है वो भुगतान दें, ये और मुख्य मांगे हैं। आवारा पशु हमारे यहाँ बहुत फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। किसको ज्ञापन देंगे? अभी बैठ कर डिसाइड करेंगे, वैसे कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा मंडल का।